बरेली के प्रमुख व्यापार मंडल ने वरिष्ठ व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में 15 अगस्त के मुबारक मौके पर एक जोरदार कार्यक्रम आयोजित किया है। सबसे खास बात यह रही कि शहर के 15 स्थानों पर एक साथ व्यापारी नेताओं ने अपने अपने कार्यालयों पर झंडे फहराए हैं। इस दौरान सभाएं हुई हैं और इन सभाओं में खास तौर से जिक्र हुआ है कश्मीर में तिरंगा के लहराने का। क्या बोले हैं व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता और उनके साथी, देखिए हमारी ये संपूर्ण रिपोर्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी न्यूज 24। चैनल अच्छा लगे, खबरें अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, घंटी जरूर बजाइएगा। मैं हूं संजीव गंभीर। देखिए मौजूद है बरेली के व्यापार मंडल के कार्यालय में, ये सामतगंज में ठीक सामने पुलिस चौकी के कार्यालय है। इस कार्यालय के निर्देशन में बरेली के 18 जगहों पर एक साथ ध्वजारोहण हुआ है। योम आजादी यानी आजादी का जश्न मनाया गया है। सामतगंज पुलिस चौकी के सामने मुख्य कार्यालय पर कार्यक्रम क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, कौन व्यापारी नेता रहे हैं और क्या बोले इस मौके पर व्यापारी नेता, आइए वो सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो सब सुनाने जा रहे हैं। मौजूद किए मेरे साथ व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र गुप्ता जी। क्या कार्यक्रम हुआ था आज और आगे क्या होने वाला है? आज हमने पूरे बरेली में 15 स्थानों पर 15 अगस्त के प्रतीक में 15 स्थानों पर ध्वजारोहण किया है। जितने भी लोग निकल करके जा रहे थे सब लोगों को रोक करके 15 स्थानों पर हम लोगों ने 52 सेकंड का राष्ट्रगान किया है और पूरी बरेली में उत्साह है आज कि हम लोग 370 खत्म होने के बाद पूरे देश के साथ स्वतंत्रता की सांस दे रहे हैं और वास्तविक रूप से हमें लग रहा कि इसी बार हम स्वतंत्र हुए हैं। चौकी इंचार्ज साहब का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। हमारे मीडिया के मित्र भी हैं, आज व्यापार मंडल एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा है। आदरणीय कर्नल साहब, आदरणीय चौकी इंचार्ज साहब, सभी व्यापारी साथियों, हमारे देश के अभिन्न अंग, हमारे देश के मुकुट जम्मू और कश्मीर को संपूर्ण आजादी मिली है। धारा 370 हटी है और 35 ए का खात्मा हुआ है। इस उपलक्ष्य में, धारा 370 हटने के उपलक्ष्य में, 35 ए समाप्त होने के उपलक्ष्य में हमारे कश्मीर के भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए ये मैसेज जाए पूरे देश में कि उनकी चिंता करने वाला अब सारा देश है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जिला और नगर इकाई ये आज घोषणा करती है 15 अगस्त के ऊपर कि हम कश्मीर या जम्मू के किसी एक नौजवान लड़का जो हाई एजुकेशन में जा रहा हो और उसके पास फीस की व्यवस्था ना हो, चाहे वो MBBS करेगा, चाहे BTech करेगा, कोई भी एजुकेशन प्राप्त करेगा, उसके शिक्षा की पूरी फीस हर साल हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ओर से देने की घोषणा करते हैं और आग्रह करते हैं अमर उजाला की टीम से, कृपया 45 सेकंड की जो हमारी सायरन है वो बजा दीजिए, जिससे कि देखिए सारा चौराहा जाम हो गया है। खटवानी जी, क्या कहना चाहेंगे आज 15 अगस्त रक्षाबंधन के मुबारक मौके पर? 73वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देशवासी मना रहे हैं और इस बार ये स्वतंत्रता दिवस खास है क्योंकि अभी अभी धारा 370 और 35 ए हटी है, तो वैसे तो देशभक्ति का जज्बा वैसे ही सारे हिंदुस्तानियों में है, लेकिन इस बार 370 और 35 ए हटने के बाद क्योंकि कश्मीर भी हमारा अंग अभिन्न अंग बन चुका है और अब कश्मीर से कन्याकुमारी वाकई में अब एक हो गए हैं, तो इसलिए इस बार
ये स्वतंत्रता दिवस जो 73वां स्वतंत्रता दिवस है ये खास रूप से मनाया जा रहा है। इसमें व्यापार मंडल और मीडिया के सहयोग से, अमर उजाला के सहयोग से और व्यापार मंडल इसको सारे चौराहों पर आज 10 बजे एक साथ पूरा शहर रुक जाएगा, पूरे साथ 10 बजे जनगण मन होगा, 52 सेकंड का कार्यक्रम है, तो पूरे शहर का जितना भी बरेली वासी हैं वो सब इसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे। सूर्या जी क्या कहना चाहेंगे आज? आज सही महीनों में 70-72 साल के से जो आज़ादी अपूर्ण थी वो पूर्ण हुई है और उसी प्रसन्नता और हर्ष का सब लोग आज मना रहे हैं, क्योंकि जो 70 सालों से एक टीस थी कि जम्मू कश्मीर हमारा होते हुए भी हमारा नहीं लगता था, वो इस सरकार ने धारा 370 हटा के और 35 से हटा के उसको आज पूर्ण राज्य, पूर्ण अपना केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है, तो ये बहुत हर्ष का विषय है। हमारे नेता हर्ष क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को 73वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये स्वतंत्रता दिवस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने कश्मीर को भारत से मिलाया है और अगली साल हम ये दुआ करेंगे, भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि अगली बार हमारा झंडा गुलाम कश्मीर में लहराएगा। आइंदा गुप्ता जी, व्यापारी नेता, क्या कहना चाहेंगे सर आज यौम आज़ादी के मौके पर? देखिए, हम लोग सारे देश, भारतवर्ष के लोग अपने 73वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े जोर शोर से मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, बरेली वासियों को और अपने संपूर्ण व्यापारी समाज के लिए आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज बरेली में 15 स्थानों पर लगभग 1.5 लाख लोग हमारे साथ राष्ट्रगान का गायन करेंगे और पूरे शहर को थामने की योजना आज हमारी है। इससे हम ये दिखाएं कि जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानियां, अपने जान की बाजी लगा करके हमको आज़ादी दिलाई, आज सारा देश उनके लिए नतमस्तक है। संजीव चांदना जी क्या कहना चाहेंगे आज कम शब्दों में? आज हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, एक देश एक झंडा एक कानून के तहत हम लोग 73वां स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत विशेष दिन है कि आज 370 के बिना हम लोग इस देश में एक झंडा, जो कभी कश्मीर में हमेशा 2 झंडे फहराए जाते थे, परंतु आज कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक एक देश एक निशान और एक विधान के तहत हम लोग मना रहे हैं। इसके लिए सबके लिए हार्दिक बधाई। भाई साहब क्या नाम आपका? मनमोहन सबरवाल। मनमोहन जी क्या कहना चाहेंगे कम शब्दों में? मैं बरेली वासी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि अजीब संयोग है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है। सब नाम आपका? प्रकाश मैदानी जी। प्रकाश आयलानी। प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? आज अमर उजाला और हमारे व्यापार मंडल के संयुक्त रूप से जो आज 15 अगस्त का ये त्यौहार मनाया गया है, अमर उजाला का ये कदम सराहनीय है। मैं हृदयवत उनको नमन करते हुए और उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करूंगा और आशा करता हूं अगले वर्ष फिर अगर हमें जिम्मेदारी दो भी हम इसको और सुंदर करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं। लेकिन बच्चे भी आज़ादी के रंग में रंगे हुए हैं, भारतीय तिरंगा हाथ में है छोटे छोटे नौनिहालों के, और बड़ी खुशी है कि कश्मीर में इस बार तिरंगा लहराएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? संदीप देसाई। क्या कर राजेंद्र गुप्ता को, व्यापारी नेता को मिठाई खिला के यौम आज़ादी की मुबारकबाद दे रहे हैं व्यापारी नेता।